हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। व्हाट्सअप गाइस, कैसे है आप सभी? अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीवो V11 प्रो का कैमरा यूजर इंटरफेस है ये। जब भी आप कैमरा पर टैप करेंगे तो ये सारे सेटिंग्स यही यूजर इंटरफेस पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें अरेंज की है ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कैसे आप अच्छी तरह से इस कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं, कैसे सेटिंग्स को चेंज करना है, कैसे बदलना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से कोई भी फेस का हो, पोर्ट्रेट का हो, सब्जेक्ट्स का हो, ऑब्जेक्ट्स का हो, कैसे भी हो, अच्छी तरह से कैसे कैप्चर करें ये इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसका अलग से हम कैमरा सेटिंग्स और भी वीडियोस बनाता हूँ अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, तो बने रहने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूले, एंड लाइक एंड शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो इस चैनल को ज़रूर हेल्प होगा। तो देखिए यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में जब भी हम कुछ पिक्चर्स कैप्चर करने लगते हैं तो जनरली क्या करते हैं, ऐसे फ्रेमिंग करते हैं तो उसके बाद क्लिक कर देते हैं, बस हो गया। हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा बढ़िया इमेज आया है। ऑफकोर्स इमेज तो अच्छा आया होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कहीं पर फोकस नहीं होगा, कहीं पर फोकस हुआ रहता है। इन सारे चीज़ों को आप अगर ध्यान से रख के कैप्चर करेंगे तो और भी अच्छे प्रोफेशनल जैसे पिक्चर्स आपको मिलेंगे। तो वो कैसे करना है, देखिए टैप टू फोकस करते ही ये जो फ्रेमिंग के साथ यहाँ पर छोटा सा आइकॉन दिख रहा है आपको, ये वाला है एक्सपोजर वैल्यू, ईवी चेंज करने का तरीका ये। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस चीज़ को पकड़ के ऐसे ऊपर करता हूँ तो एक्सपोजर ज़्यादा ब्राइट होगा, वैसे ही मैं नीचे लेता हूँ तो डार्क होगा। ये क्या है, देखिए ज़्यादा एक्सपोजर करेंगे तो वाइट्स जहाँ पर होता है इन सब्जेक्ट्स में तो वो ज़्यादा करके आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगा, वैसे ही अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ब्राइटनेस कम होगा। ब्राइटनेस यानी कि यहाँ पर हम एक्सपोजर कहते हैं, एक्सपोजर यानी हाईलाइट्स एंड शेडोज जो रहता है इस सब्जेक्ट में तो उसको इफेक्ट करेगा। तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है, मान लीजिए अगर अभी मैं इस मिनियन को कैप्चर करना चाहता हूँ तो इस पर टैप करूँगा तो इस पर फोकस होगा, फोकस होने के बाद मैं एक्सपोजर को सेट करूँगा कि मुझे कैसे ब्राइटनेस इस सब्जेक्ट पर चाहिए, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करेंगे तो ब्लो हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन सारी चला जाएगा। तो जितना चाहिए उतना करने के बाद अगर आप इससे संतुष्ट है तो फिर जाके क्लिक करना है। अभी इसमें देखिए सिर्फ मिनियन का चाहिए था मुझे, लेकिन ये सारे जो है आजू बाजू जो है ये सारे डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पिंच एंड जूम कर सकते हैं। ऐसा देखिए ज़्यादा नहीं करना है, अप टू 2x कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से। देखिए 1.9x अभी 2 हुआ ना, 2x पर इतना क्लोजअप आ गया मिनियन कि जो भी आजू बाजू डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स थे वो सारे चले गए। तो अभी इसका जो इमेज है शार्प से आ जाएगा, तो देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। तो ऐसे आपको कैप्चर करना है, ना कि सिर्फ ऐसे देखा तो ऐसे पकड़ लिया तो कैप्चर कर दिया, ऐसे नहीं करना है। तो ये था एक्सपोजर वैल्यू। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये है ग्रिड लाइंस। तो ये कहाँ से आया, देखिए इसको आप सेटिंग्स पर जाना है, सेटिंग्स पर जाते ही यहाँ पर फ्रेमिंग लाइंस करके है ना, फ्रेमिंग लाइंस पर आप एक बार टैप करेंगे तो देखिए चला गया। फिर से मैं अगर एक बार टैप करूं तो फ्रेमिंग लाइंस आता है। तो ये चीज़ क्या है, ये फ्रेमिंग लाइंस क्यों चाहिए, देखिए अगर मैं ऐसे पकड़ के कैप्चर करता हूं तो अच्छा नहीं दिखेगा ना इमेजेस ऐसे क्रॉस में। तो ये क्रॉस है या सीधा है कैसे बोलेंगे आप, इस लाइन को आप रेफरेंस रख के आपको देख कर कैप्चर करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, ज़्यादा लोगों को पता नहीं फ्रेमिंग लेंस किस लिए यूज़ करते हैं, तो अभी आपको पता चला होगा। लाइक करना ना भूले, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले और भी अच्छे वीडियोस के लिए। तो देखिए ऐसे आप ग्रिड लाइंस को यूज़ करके एक रेफरेंस लाइन को लेकर हॉरिजॉन्टल लेवल पर है या नहीं देखने के बाद आप कैप्चर करेंगे तो ये वाला जो है फोटो ये प्रोफेशनल फोटो होता है। तो ऐसे आप देखकर पिक्चर्स को कैप्चर कीजिएगा। तो ये था बेसिक सेटिंग जो बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कैसे आप अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छा फ्रेमिंग वाला कंपोज्ड इमेजेस कैसे निकालते हैं सर करके पूछते हैं, तो ऐसे हम निकालते हैं। देखिए ये एक एंगल बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना, तो ऐसे एंगल्स को आप पकड़ना है। यहाँ पर भी कुछ क्रॉस नहीं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो कोई भी रेफरेंस लाइन आप देख सकते हैं। तो देखने के बाद फिर से कैप्चर करेंगे तो ये रहा बहुत ही अच्छा इमेज, वैसे आपको कैप्चर करना है। तो इस चीज़ के बाद हम चलेंगे AI फेस ब्यूटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके फेस ब्यूटी देता है। तो इसमें कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर तो पर्सन नहीं मिनियन का है तो इसके ऊपर ही टेस्ट कर देते हैं।
ऑफकोर्स ठीक से नहीं आएगा, लेकिन आपको सेटिंग्स बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गर्ली आइकॉन है ना, तो इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ से आपको सारे फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। देखिए थिन नोज, माउथ शेप, नोज आइस पिन एंड लार्जिंग, तो जो भी सारे सेटिंग्स है ये सारे चीज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ऐसे आप इन सारे फीचर्स को यूज करके जो चाहिए वैसे आप अपना ब्यूटीफाई बना सकते हैं। तो फेस रीशेपिंग है, तो मेक श्योर कि आप क्लोजअप है कोई भी पर्सन के साथ, नहीं तो ठीक से नहीं आएगा। तो मैं आपको रियल में पर्सन को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप पोर्ट्रेट को अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं इस वीवो V11 प्रो से। तो बने रहिए सब्सक्राइब करके। तो इन सारे चीज देखने के बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छी तरह से निकालना है एंड क्या क्या और कैमरा सेटिंग्स है इसमें, क्योंकि लंबा वीडियो हो सकता है। तो इस पर यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो देखने के लिए बने रहिए सब्सक्राइब करके। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक पर ठोके। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।